अस्सलाम वालेकुम बरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू दिस वीडियो क्लास, जिसमें हम एक्सरसाइज 1.2 के आगे के सवालात का सलूशन ग्राफिकली पेश कर रहे हैं आपकी खिदमत में। सॉल्व ग्राफिकली द फॉलोइंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। इससे पहले भी पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन 1 अपलोड किया, जस्ट लाइक उसी की तरह क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो अगर आपने इस क्वेश्चन 2 को कर लिया तो अच्छी बात है, अगर नहीं किया तो आप देखें कैसे सॉल्व होगा। ग्राफिकली आपने सिस्टम को सॉल्व करना है। किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि उसमें एक्स और वाई की जो वैल्यूज़ हैं उनको फाइंड आउट करना, या नॉन कहलाते हैं या वेरिएबल कहलाते हैं, इनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के बहुत सारे तरीके हैं। उनमें से एक तरीका ग्राफिकल सोल्यूशन है, तो उसके ज़रिए हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो तरीकेकार स्टूडेंट्स ये होगा, इट इज़ वेरी इजी एंड सिंपल। सोल्यूशन में आपने करना है क्या है कि सबसे पहले ये जो इक्वेशन ऊपर गिवन है इसको इक्वेशन 1 कह दीजिए और उसके नीचे वाली इक्वेशन को 2 कह दीजिए। जिस तरह हम क्वेश्चन इक्वेशन 1 को सॉल्व करेंगे, सेम उसी तरह 2 को भी। तो जिन तुलबा ने पिछली वीडियो नहीं देखी तो उनके लिए फिर ये गुजारिश है कि सॉल्व करने का कायदा ये होगा कि इक्वेशन 1 को पहले पिक करना आपने और उसमें से y को अलग करना, ये आदत डालनी। बाद लोग x को अलग करते हैं, y को अलग करने के बाद फिर x की डिफरेंट चार वैल्यूज पर y की डिफरेंट चार वैल्यूज हासिल करेंगे और चार ऑर्डर पेयर बनाने, क्योंकि एग्जाम में 4 ऑर्डर पेयर प्लॉटिंग के लिए आते हैं। सेम यही काम को इक्वेशन नंबर 2 के साथ करना है। इक्वेशन 2 में से y को अलग करना है और x की डिफरेंट चार वैल्यूज लेके y की चार डिफरेंट वैल्यूज आएंगी तो चार ऑर्डर पेयर बनेंगे। और फिर दूसरी इक्वेशन को भी ग्राफ पे प्लॉट करना है, जहां पर इन दोनों इक्वेशंस की स्ट्रेट लाइन कट करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही असल में इस सिस्टम का सोल्यूशन सेट कहलाएगा और वो हल सेट कहलाएगा। आइए देखें स्टूडेंट कैसे सॉल्व करेंगे। सोल्यूशन में आपने क्या करना है, मेरे साथ साथ क्वेश्चन समझें भी और लिखें भी। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 सबसे पहले किसको पिक कर लीजिए, बोलिए। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 ही आपके सामने आ गई है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। देखिए छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना होगा, इस x को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दें तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखें 4 प्लस x दूसरी तरफ जाके किसमें हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा। तो हमने क्या किया स्टूडेंट्स, ये जो प्लस x था इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया तो दूसरी तरफ वो माइनस में हो गया। अब ये जो इक्वेशन जिसमें से y को आपने अलग कर लिया, इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर a का। और इस इक्वेशन a में अब x की डिफरेंट मनचाही वैल्यूज को पुट करके y की 4 वैल्यूज हासिल करेंगे। आइए स्टूडेंट सबसे पहले हम कौन सी वैल्यू पुट करें, कोई सी भी कर सकते हैं पुट। फर्ज कर ले मैं यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट कर दे, आइए देखते हैं 1 पुट करने पर y की वैल्यू क्या आ रही। इक्वेशन a इंप्लाइज दैट यस, कोशिश करें एक ही लाइन में आ जाए, y इज इक्वल टू 4 माइनस x लिखा अपने इक्वेशन है और ये जो x नजर आ रहा है क्या x, इसकी जगह आपने 1 पुट करना है। तो देखें स्टूडेंट क्या होगा, 4 माइनस x की जगह आ गया 1, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो दिस विल गिव यू 3। इसका मतलब x की वैल्यू 1 पर y की वैल्यू आ गई है 3, तो इसको ऑर्डर पेयर की सूरत में लिखेंगे, x की जगह 1 और y की वैल्यू 3। तो ये स्मॉल ब्रैकेट में x और y की वैल्यूज लिखी जाती हैं स्टूडेंट, इसे ऑर्डर पेयर कहते हैं। जिन थोड़ा को जो वाकिफ नहीं है वो याद रखें कि ये जो ब्रैकेट हमने बनाई है ये ऑर्डर पेयर कहलाती है, इसमें x की एक वैल्यू 1 उस पर y की वैल्यू 3 हासिल हुई है। आइए दूसरी कीमत पुट करते हैं, इक्वेशन a में ही बार बार पुट करना है आपने पुट। अब x इज इक्वल टू फर्स्ट कर लें मैं यहाँ पे 2 ले लेता हूँ, तो आप देखें x इज इक्वल टू 2 पे क्या होगा, इक्वेशन a इम्प्लाइज डेट यस, इक्वेशन a इम्प्लाइज डेट ओके। मेरे साथ साथ समझें भी लिखें भी, y इज इक्वल टू 4 माइनस x, आपने दोबारा यहाँ पे x की जगह क्या पुट करना है स्टूडेंट, 2 पुट करना है। तो देखिए क्या होगा, 4 माइनस x की जगह आ गया 2, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो दिस विल गिव यू 2। तो इस तरह से सेकेंड जो ऑर्डर पेयर बनेगा स्टूडेंट वो ये होगा कि x की वैल्यू हमने ली 2 और उस पर y की वैल्यू आ गई है 3 ओके। आई स्टूडेंट तीसरी वैल्यू पुट करते हैं, अब देखें तीसरी जो वैल्यू है मैं चाहूंगा कि आप माइनस में भी पुट किया करें वैल्यूज को, जिसने आपने प्लस 1 और प्लस 2 रखा तो आपने x की वैल्यू चले माइनस 1 पुट कर दिया, क्या माइनस 1 इक्वेशन है में, तो इक्वेशन है इम्प्लाइज दैट देखें क्या होगा, वाई इज इक्वल टू यस 4 माइनस x, लेकिन बी केयरफुल कि यहाँ पे 4 लिखेंगे 4 के बाद माइनस और फिर x की वैल्यू पुट करनी है आपने यहाँ पे, लेकिन x की जगह क्या आएगा माइनस 1 आएगा, x की जगह क्या पुट करेंगे माइनस 1। तो जब आप x की जगह माइनस 1 पुट करेंगे तो डबल माइनस आ गया, इसलिए ब्रैकेट में लिखना होगा। अब ये 4 अपनी जगह रहा और देखें यहाँ पर क्या होगा, इस पोर्शन को सॉल्व करें माइनस माइनस प्लस, तो ये माइनस माइनस प्लस और साथ में 1, 4 में 1 ऐड करेंगे तो 5। तो इसका जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो ये होगा कि x की वैल्यू माइनस 1 पर y की वैल्यू हासिल हो गई है 5,
इस तरह कितने ऑर्डर पेयर बना लिया आपने, तीन, एक ऑर्डर पेयर और चाहिए, तो उसके लिए एक्स की डिफरेंट वैल्यू पुट करते हैं। अब इसमें आप देखें अगली वैल्यू पुट करते हैं, एक्स इज इक्वल टू, पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस टू, तो एक्स की वैल्यू माइनस टू पुट कर रहे हैं हम। ओके, उसी इक्वेशन ए में बार बार पुटिंग करनी होती है, तो इक्वेशन ए इंप्लाइज डेट यस, देखें क्या होगा, वाई इज इक्वल टू, एक दफा लिख लें, इक्वेशन है फोर माइनस एक्स इज इक्वल टू फोर, फिर माइनस एक्स की जगह माइनस टू, डबल माइनस ब्रैकेट में लिखना होगा, तो फोर माइनस माइनस प्लस टू, फोर में टू ऐड करेंगे तो आ जाएगा सिक्स, तो ऑर्डर पेयर बन गया माइनस टू पर वाई की वैल्यू आ गई है सिक्स। इस तरह से चार ऑर्डर पेयर तैयार हो गया। अब हम इसका बॉक्स तैयार करेंगे, देखें बॉक्स किस तरह से होता है, मैं बना देता हूँ फिर आप देख लीजिएगा, आप भी फिर उतार लीजिएगा। स्टूडेंट्स ये ऑर्डर, ये हमने बॉक्स बना लिया लेकिन एक मिसिंग हो गई थी, इसको आपने यकीनन नोट कर लिया होगा, मैंने भी किया, वो मिसिंग यहाँ पर थी, ये असल में एक्चुअली थ्री लिखा हुआ था यहाँ पे, थ्री इसको टू कर लीजिएगा, फोर में से टू गया तो टू आता है। अब इस तरह की छोटी बहुत जो गलतियाँ हो जाती हैं तो उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है, वरना ग्राफ सही प्लॉट नहीं होगा। तो फोर में से टू माइनस करेंगे तो क्या आएगा, टू ही आएगा। देखें ऑर्डर पेयर ये बॉक्स इस तरह से बनाया जाएगा, एक्स की वैल्यूज जो आपने ली थी वन टू माइनस वन माइनस टू, आप पहले एक्स वाले रो में लिख लें और उस पर वाई की जो वैल्यूज हासिल हुई हैं थ्री टू फाइव और सिक्स, वो आप वाई वाले रो के अंदर लिख लें। इस तरह से एक बॉक्स तैयार हो गया पहली इक्वेशन का, तो फर्स्ट इक्वेशन थी उसका बॉक्स तैयार है। सेम इसी तरीके से आपने दूसरी इक्वेशन का बॉक्स तैयार करना है, मेरा ख्याल है आप समझ गए होंगे कि अब क्या करना होगा। तो दूसरी इक्वेशन के लिए आपको उठानी होगी दूसरी इक्वेशन, देखें दूसरी इक्वेशन क्या है स्टूडेंट, वो ये रहे, टू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू फाइव बाई, इसको पिक कर लें, टू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू फाइव बाई, टू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू फाइव बाई लिख लें, इसको नोट कर लें मेरे साथ साथ। ओके, और यहां लिख लें ऊपर फ्रॉम इक्वेशन टू, ये कौन सी इक्वेशन स्टूडेंट्स, दिस इज इक्वेशन नंबर टू। अब यहां से आपने y को अलग करना है, अब y को अलग करने के लिए y लेफ्ट पर होना चाहिए लेकिन राइट पर है, तो यहां हम एक सिमेट्रिक प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे जिसमें हम साइड चेंज कर सकते हैं। देखिए वो प्रॉपर्टी इस तरह से, न्यू स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने पहले नहीं सीखा, अगर a इज इक्वल टू b लिखा हो तो उसको आप लिख सकते हैं b इज इक्वल टू है, a बराबर है b के, इसका मतलब b बराबर है, इसको सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहा जाता है इक्वेशंस की। तो यहाँ पर सेम उसी तरह क्या करना है स्टूडेंट्स, आपने 2x माइनस वन इज इक्वल टू फाइव वाई है, तो आप फाइव वाई को लेफ्ट पे लिख लें और 2x माइनस वन को राइट पे, तो इसको कहते हैं साइड चेंज करने का अमल, जिसमें लेफ्ट और राइट साइड एक दूसरे से चेंज हो जाती हैं, इसमें साइन तब्दील करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद इस फाइव को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, तो देखें ये फाइव मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ डिवाइड में चला जाएगा, तो वाई इज इक्वल टू जो कॉफिशियंट होता है फाइव, ये कौन सा फाइव, ये वाला फाइव, ये कॉफिशियंट है मल्टीप्लाई में होता है, दूसरी तरफ रूल ये कि डिवाइड में चला जाता है। हम एक्सरसाइज 1.1 में सारे रूल अल्हम्दुलिल्लाह सीख चुके, जिन्होंने वीडियोस नहीं देखी वहाँ जाके पहले रूल सीखें, उसके बाद फिर इन क्वेश्चंस की तरफ आएंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। 2x माइनस वन अपॉन ये 5 डिवाइड में चला जाएगा, तो 5 डिवाइड में आ गया, इसको नाम दे दें किसका, दिस इज योर इक्वेशन, जिस आपने इक्वेशन ए बनाई थी ना, तो इसको भी इक्वेशन का नाम दे दें, मैं इसको नाम दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर बी का, क्या नाम दे रहा हूँ, बी का, क्योंकि सवाल एक ही है तो उसमें इक्वेशन ए बन चुकी है। अब इसमें आप एक्स की डिफरेंट फोर वैल्यूज पर वाई की डिफरेंट वैल्यूज निकालेंगे, तो एक्स की ऐसी वैल्यूज लेनी है, बताया था पिछली वीडियो में भी, कि प्लस एट और माइनस एट की रेंज के अंदर हो और उस पर वाई की वैल्यू प्लस ट्वेल्व और माइनस ट्वेल्व की रेंज में आनी चाहिए, पहली शर्त। दूसरी शर्त, एक्स की ऐसी वैल्यू नहीं लीजिएगा कि जिस पर वाई की वैल्यू डेसिमल फ्रैक्शन में आ जाए, पॉइंट में आ जाए, डेसिमल पॉइंट फ्रैक्शन में, इतना प्लॉट करने में बहुत मुश्किल होती है, लिहाजा आपने एक्स की होल वैल्यू लेनी है और उस पर वाई की वैल्यू भी वो आए जो एज अ इंटीजर होल वैल्यू हो, प्लस में या माइनस में, समझ रहे हैं बात को। मैं ऊपर यहाँ पे मैं पहले एक छोटी सी गलती करके आपको बताता हूँ कि मैं गलत वैल्यू ले रहा हूँ शुरू में। अगर मैं यहाँ पे वन ले लेता हूँ, पुट एक्स इज इक्वल टू वन, तो देखिए क्या होगा, अगर एक्स इज इक्वल टू वन ले लिया जाए तो टू मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू वन माइनस वन अपॉन फाइव, फिर ऊपर टू वन था टू माइनस वन अपॉन फाइव, टू में से वन गया तो वन, वन को फाइव से डिवाइड करेंगे तो जीरो पॉइंट समथिंग आएगा, नहीं 0.2 आ जाएगा। अब ये पॉइंट डेसिमल फ्रैक्शन में वैल्यू आ गई तो प्लॉट करना हो जाएगा, ये भी प्लॉट लेकिन टिपिकल रहेगा। लिहाजा इस तरह से सोचें कि एक्स की क्या वैल्यू यहाँ पर पुट करें, दिमाग इस्तेमाल करें कि जिस पर वाई की जो है वो होल वैल्यू आनी चाहिए, बस यही दिमाग जो है वो इस्तेमाल करना होता है हमने, इज दैट क्लियर। अगर फर्ज कर लें यहाँ पर हम थ्री ले लेते हैं, क्या ले लें, एक्स की वैल्यू थ्री, थोड़ी सी मैथ इस मामले में स्ट्रॉन्ग होनी जरूरी है,
पुट x इज इक्वल टू 3, तो 2 3 6 इसमें से बन गया 5, 5 5 से डिवाइड हो सकता है, 1 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 3 पहली वैल्यू ले रहे हैं, तो इक्वेशन a में ही पुट करनी है सारी वैल्यूज, और सॉरी इक्वेशन b में, अब b बनाइए ना, तो b में पुट करेंगे, तो y इज इक्वल टू क्या है इक्वेशन देखें, वो है 2x माइनस 1 अपॉन 5, कोशिश करें एक ही लाइन में आ जाए, 2x की जगह देखें यहाँ पर x की जगह 3 पुट करेंगे, माइनस 1 अपॉन में कौन है 5, फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 6, इसको मिटाना पड़ेगा, मैं मिटा देता हूँ, ओके ये मिटा दिया, आइए दोबारा उसी तरफ, 2 3 दस 6 माइनस 1 अपॉन 5, 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5 आएगा, 5 अपॉन 5, 5 वन दा 5, 5 वन दा 5, तो ऊपर 1 और नीचे भी 1, हर के नीचे 1 होता है, लिखते नहीं है तो 1 आ गई, तो इसका मतलब है पहला ऑर्डर पेयर ये बनेगा कि x की वैल्यू 3 पर y की वैल्यू 1 हासिल हो गई, समझ रहे हैं बात को, इस तरह आपने सोचना है, अब कोई दूसरी वैल्यू सोचें कि जिस पर जो है वाई की वैल्यू ऐसा होल ही आ जाए, 4 सोचें, 4 टू द 8, 8 में से 1 गया 7, 9, 7 5 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो सकता, 5 सोचें, 5 टू द 10 नहीं, 6, 6 टू द 12 नहीं, 7 टू द 14 नहीं, 14 में से 1 गया 13, 8 सोचें, यस 8 टू द 16, 16 में से 1 गया तो 15 आएगा जो 5 से डिवाइड हो सकता है, तो x की वैल्यू आप 8 सोचिए यहाँ, यानी पुट x इज इक्वल टू 8, समझ रहे बात को, तो ये शुरू में थोड़ी सी दुश्वारी होगी लेकिन बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि क्या करते हैं, तो मैं इस इक्वेशन को लिख रहा हूँ, y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 अपॉन 5 इज इक्वल टू, x की जगह देखें क्या आ जाएगा, 8 माइनस 1 अपॉन 5, 2 एट द 16 माइनस 1 अपॉन 5, 16 में से बन गया तो 15, 15 अपॉन 5, 5 वन द 5, 5 3 द 15, तो y की वैल्यू हासिल हो जाएगी फाइनली 3, अपॉन में 1 होता है लिखते नहीं, लिहाजा यहाँ पर x की वैल्यू 8 पर y की वैल्यू स्टूडेंट जो हासिल होगी वो आई आपके सामने, दैट इज 3, दूसरा ऑर्डर पेयर तैयार हो गया, अब तीसरा और चौथा ऑर्डर पेयर तैयार करना है क्योंकि चार ऑर्डर पेयर चाहिए होते हैं, तो अब सोचें x की कौन सी वैल्यू यहाँ पुट करें, अब माइनस में भी सोच सकते हैं, अगर हम माइनस 2 पुट कर दें तो माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5, यस x इज इक्वल टू माइनस 2 पुट करें, क्या पुट करें, पुट या वीडियो स्टिल करके देख लिख लीजिएगा, पुट x इज इक्वल टू माइनस 2, तो इक्वेशन b इंप्लाइज दैट इक्वेशन b जो बनाई उसी में पुट करना है बार बार, y इज इक्वल टू यस ये इक्वेशन b थी 2x माइनस 1 अपॉन 5 इज इक्वल टू 2, यहाँ पर x की जगह आएगा माइनस 2, माइनस 2 साथ में मौजूद है माइनस 1 और अपॉन में मौजूद है 5, तो प्लस माइनस माइनस 4 माइनस 1 अपॉन 5, माइनस 4 माइनस 1 ऐड करेंगे तो आ जाएगा माइनस 5 अपॉन में 5, ये 5 बंदा 5, 5 बंदा 5, 5 के टेबल से काट दिया तो माइनस 1 बचा, इसका मतलब ये हुआ कि y की वैल्यू माइनस 1 हासिल होगी, तो ऑर्डर पेयर बना लें, ऑर्डर पेयर कैसे बनेगा भाई, इसमें x की वैल्यू माइनस 2 पर y की वैल्यू माइनस 1 हासिल हुई, समझ रहे हैं बात को, इस तरह से चार ऑर्डर 3 बन गए, चौथा चाहिए, और माइनस 5 पुट कर दें, माइनस नहीं माइनस 6 माइनस माइनस 8 पुट कर दें, नहीं माइनस 6 माइनस 7 पुट करते हैं, माइनस 7 टू द 14 और माइनस 1 माइनस 15 होता है, यस x की वैल्यू माइनस 7 पुट कर दीजिए, पुट x इज इक्वल टू माइनस 7, माइनस 2 के बाद अब क्या पुट करते हैं माइनस 7, तो देखें स्टूडेंट क्या होगा, इक्वेशन b इंप्लाइज दैट यस माइनस 7 पुट कर रहे हैं, तो y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 अपॉन 5 इज इक्वल टू यस 2, x की जगह माइनस 7 साथ में माइनस 1 अपॉन 5, फिर 2 को माइनस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 14 आएगा, फिर माइनस 1 पहले से मौजूद आ गया अपॉन 5, माइनस 14 और माइनस 1 इनको ऐड करें तो एडिशन रूल के मुताबिक ये प्लस हो जाएगा 14 और 1 15 अपॉन 5, लेकिन साइन ऊपर माइनस की रहेगी, फिर 5 के टेबल से काट दें, 5 वन दा 5, 5 3 दा 15, तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस 3, इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू माइनस 7 पर y की वैल्यू माइनस 3 आएगी, उम्मीद है आप समझ रहे होंगे ये किस तरह क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, इसका आप बॉक्स बनाते हैं, स्टूडेंट ये ऑर्डर पेयर आपके सामने आ गया, x और y की वैल्यू, उसका x की हमने ये वैल्यूज ली थी 3, 8, माइनस 2 और माइनस 7, और इस पर y की वैल्यूज 1, 3, माइनस 1, माइनस 3 हासिल हुई हैं, आइए अब इनको प्लॉट करते हैं, आप भी अपना ग्राफ पेपर निकाल लें, मैं भी ग्राफ पेपर यहाँ लेकर आता हूँ, पहले मैं ग्राफ पेपर यहाँ आपको शो कर दूंगा कैसे होगा और कैसे प्लॉटिंग होगी, यस आइए स्टूडेंट अब हम ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं कि कैसे इसको प्लॉट करेंगे, तवज्जो रहे,
देखें जो ग्राफ आपके पास होता है वो तो आप जानते हैं कि उसमें स्मॉल डिवीजन हम पहली वीडियो क्लास में बेसिक कॉन्सेप्ट ग्राफ पर बात कर चुके हैं। बार बार हम उसे डिस्कस करके वीडियो की लेंथ को बिलावजह नहीं बढ़ाना चाहते। ये 5 स्मॉल स्क्वायर यहाँ पर होते हैं, लेकिन फिर भी न्यू स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने इससे पहले नहीं देखा, ये जो खाना होता है इसको मजीद छोटे छोटे खानों में डिवाइड किया गया, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये 5 स्मॉल स्क्वायर हैं, इनको हम 1 यूनिट के बराबर लेंगे। इसके बाद पे अगला 5 स्क्वायर ये 2 यूनिट, फिर अगला 5 स्क्वायर 3 यूनिट, फिर 4 यूनिट। तो यहाँ पे जो आपको बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं ये असल में 5 स्मॉल डिवीजन के, याद रखिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 5 स्मॉल डिवीजन 1 के बराबर है। फिर राइट हैंड साइड पर एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है, लेफ्ट पर निगेटिव, ऊपर वाई पॉजिटिव, नीचे वाई एक्सिस निगेटिव होता है। सबसे पहले जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसका ग्राफ ये आपने बॉक्स तैयार कर लिया, यहाँ से देख लीजिए क्या होगा। सबसे पहले एक्स की वैल्यू 1 है, एक्स की वैल्यू 1 पे स्टूडेंट, वाई की वैल्यू 3 है। तो याद रहे कि हमने चलना कहाँ से, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक्स की वैल्यू 1 है, ये ओरिजिन कहलाता है, बीच वाला पॉइंट, यहाँ से चलना है। एक्स एक्सिस में प्लस 1 यूनिट जाएंगे तो आप देखिए यहाँ पर आ गए प्लस 1 यूनिट, और यहाँ से वाई एक्सिस में जाना है 3 यूनिट। तो 3 यूनिट के लिए आप वाई एक्सिस की 3 यूनिट वाली लाइन पकड़ लें और यहाँ से 1 वाली लाइन पकड़ लें। तो जहाँ पर ये दोनों लाइनें मीट करेंगी एक्चुअली वहाँ पर पॉइंट हासिल हो जाएगा, इज दैट क्लियर। तो ये फर्स्ट पॉइंट हासिल हो गया है और उसके कोऑर्डिनेट क्या है, 1, 3 क्या है बोले, 1, 3। इस तरह पे दूसरा देखिए ऑर्डर पे ये वाला, अब देखिए ये कैसे प्लॉट होगा, 2, 2, यानी इसमें एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू भी 2 है। तो यहाँ से चलना ओरिजिन से 2 यूनिट, हम एक्स एक्सिस में जाएंगे, इस पॉइंट पर आ गए, वाई एक्सिस में भी 2 यूनिट, तो वाई एक्सिस में 2 यूनिट वाली लाइन और एक्स एक्सिस में भी 2 यूनिट वाली लाइन, जहाँ पर मीट करेगी वहाँ पे ग्राफ बन, वहाँ पे पॉइंट हासिल हो जाएगा, यह ऑर्डर पेयर होगा 2, 2। उसके बाद देखें स्टूडेंट तीसरी वैल्यू क्या है, -1, 5 है, -1। एक्स एक्सिस में -1 जाना है अपने यहाँ से, तो अब एक्स एक्सिस में -1 का मतलब है लेफ्ट पर आना है आपको, यानी यहाँ पर आना है, और वाई एक्सिस में 5 यूनिट जाना है। तो ये 5 की लाइन आ गई और ये 1 की लाइन जा रही है, नहीं समझे बात को। तो ये पॉइंट एक्चुअली हासिल होगा और उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, -1, 5। तो -1, 5 यहाँ पे हासिल होगा, अभी मैं यहाँ लिख देता हूँ 1, 5, समझ गए। उसके बाद फिर आखिरी ऑर्डर पेयर है -2, 6। तो एक्स एक्सिस में ओरिजिन से लेफ्ट पर -2 यूनिट जाना है, तो -2 की लाइन पकड़ लें और वहाँ से वाई एक्सिस में 6 की लाइन पकड़ लें +6 की। यहाँ पर ये दोनों लाइनें मीट करेंगी, जाहिर सी बात है कि इस पॉइंट पर वो ये वो होगा पॉइंट जो हासिल होगा -2, 6। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, इसको मिलाना है। तो मैं शेप उठा लेता हूँ, ये मैंने शेप उठा ली और उसके बाद फिर इसको अब आप मीट कर लीजिए, ये समझे बात। इसको अब आप क्या कर लें, आप चाहें तो उसको आगे तक बढ़ा दें, चारों पॉइंट्स एक लाइन में आने चाहिए और एक ही लाइन में आ रहे हैं, तो ये आपके पास ग्राफ बन गया। इस तरह से आपने स्टूडेंट्स ग्राफ बनाना है, समझ गए सब कैसे बनेगा ग्राफ, ओके। ये तरीकेकार होता है ग्राफ बनाने का। चलें ये आपके सामने आ गया, आप चाहें तो उसके ऊपर लाइन की इक्वेशन भी लिख सकते हैं। तो लाइन की इक्वेशन स्टूडेंट्स क्या थी आपको पता होगा, क्योंकि सेकेंड ये फर्स्ट लाइन है, तो ये था एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर आप चाहें तो लिख सकते हैं x plus y is equal to 4। ये उस इक्वेशन का स्टेट का ग्राफ हासिल हुआ है, लाइन बनाई है। उसके बाद जिसकी समझ में नहीं आया वो यहाँ से समझ लो भाई। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, तवज्जो रहे, यस दूसरी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, इसमें x की वैल्यू 1 और उस पर y की वैल्यू 3 है। तो x एक्सिस में 1 यूनिट जाना है या 1 पर आ गए, y एक्सिस में 3 यूनिट जाना है, ये 3। तो ये तो वही पॉइंट हासिल हो गया जो पहले भी आया था 1, 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1, 3 अगेन यहाँ पर आ गया, तो ये जो है कॉमन हो गया, ये सॉल्यूशन सेट बाद में बन जाएगा। उसके बाद 2, 2 एक्स एक्सिस में 2 यूनिट और वाई एक्सिस में भी 2 यूनिट, यहाँ से एक्स एक्सिस में 2 यूनिट जाइए और वाई एक्सिस में भी 2 यूनिट जाइए, ओके। अच्छा नहीं, 1, 3 एक सेकेंड स्टूडेंट, अब हम दूसरी लाइन को प्लॉट कर रहे हैं कि दूसरी लाइन की इक्वेशन कैसे प्लॉट होगी। तो यहाँ पर देखें इसकी जो पहली वो है ऑर्डर पेयर वो 3, 1 था, एक्स की वैल्यू 3 पर वाई की वैल्यू 1 है। तो ओरिजिन से चलना है, एक्स एक्सिस में 3 यूनिट जाएंगे 1, 2, 3 और वाई एक्सिस में 1 यूनिट जाना है। तो 1 यूनिट किस तरफ होगा, ऊपर की तरफ, ये पॉइंट होगा, डेट क्लियर, 3, 1। तो ये पहला ऑर्डर पेयर 3, 1, मैंने कलर चेंज कर दिया ताकि समझने में आसानी रहे, 3, 1 ये हासिल हो गया। अजीब सा ही लग रहा है, प्लॉटिंग में थोड़ा सा टाइम इसलिए लगता है कि यहाँ पर ये बड़े मसले होते हैं, 3, 1, समझ गए। फिर दूसरी वैल्यू देखें 8 और 3, x एक्सिस में 8 यूनिट जाना है,
तो यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यहाँ पर आ गए एक सेक्शन में 8, और वाई एक्सिस में 3 मिनट जाना है, तो वाई एक्सिस में 3 मिनट की लाइन ये पकड़नी है आपने, और एक्स एक्सिस में 8 की लाइन पकड़नी है। जहाँ पर ये दोनों लाइनें मीट करेंगी वहाँ पर आपका जो है पॉइंट हासिल हो जाएगा 8, 3। उसके बाद देखिए -2, -1 है। एक्स एक्सिस में -2 का मतलब है कि आपने लेफ्ट पर जाना है, -1, -2, ये -2 की लाइन पकड़ लें, और यहाँ पर वाई एक्सिस में -1, तो ये -1 की लाइन पकड़ लें, -1 ऊपर से नीचे -2। अभी ग्राफ पेपर आपके पास होगा तो आपको ये लाइनें बड़ी और वाजे नजर आएंगी, तो -2, -1 ये आपके पास पॉइंट हासिल हो गया। मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, जगह तंग हो रही है मेरे पास, -2, -1, और उसके बाद आखिर में है -7, -3, तो लेफ्ट हैंड साइड में -7 यूनिट जाना है, नहीं यहाँ पर पहुँच गए इस पॉइंट पर, एक्स एक्सिस में -7 है और वाई एक्सिस में -3, तो वाई एक्सिस में -3 यहाँ पर है, ये -3 की लाइन पकड़ लें और -7 की लाइन पकड़ लें एक्स एक्सिस से, तो जहाँ पर ये दोनों मीट करेंगी वहाँ पर आपका ऑर्डर पेयर होगा -7, -3। अब क्या करना है आपने स्टूडेंट्स, इनको मीट करना है, तो मैं यहाँ से शेप उठा लेता हूँ ताकि इसको मीट किया जा सके। तो इन तमाम पॉइंट्स को अब आप क्या करेंगे, मीट करेंगे, ठीक है। ये जो है लाइन आपने इन सबको मिलाना है, और सारा पेंसिल वर्क है, बी केयरफुल, ये आपने पेंसिल से करना है, तो समझाने के लिए हम रंग बिरंगे पेन इस्तेमाल कर रहे हैं, समझ गए। ये थोड़ी सी ऊपर चली गई लाइन, तो इसको कोई बात नहीं, थोड़ा नीचे ले आ गए, ओके। और इसको थोड़ा सा नीचे करना हो तो यहाँ से और नीचे ले आ सकते हैं, यहाँ तक आपके पास ग्राफ पेपर में गुंजाइश है आप वहाँ तक रखिए। आपके पास लाइन ड्रॉ हो गई, और ये किसकी इक्वेशन है, तो आप जानते हैं कि दूसरी लाइन की इक्वेशन है, जो क्या थी, 2x-1 = 5y, ये थी 2x-1 = 5y। अब सवाल ये पैदा होता है कि सोल्यूशन सेट क्या होगा, तो याद रहे कि जहाँ पर ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं जिस पॉइंट पर, वही असल में सोल्यूशन सेट कहलाएगा। तो यू कैन सी हियर कि ये वो पॉइंट है स्टूडेंट, ये वाला जहाँ पर ये दोनों लाइनें एक दूसरे को कट कर रही है, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, इसके कोऑर्डिनेट है 3, 1, लिहाजा यही इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सोल्यूशन सेट होगा। तो आखिर में आपने आंसर जहाँ आपको वाजे और साफ नजर आए लिखा हुआ, वहाँ लिखना है सोल्यूशन सेट, पेंसिल वर्क है सारा ग्राफ पर, कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपने ऑर्डर पेयर लिख देना है 3, 1, तो दिस इज योर सोल्यूशन सेट, और यही आपका जवाब होगा। इस तरह से आपने क्वेश्चन सोल्व करना है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो तमाम स्टूडेंट इस ग्राफ को ग्राफ पेपर के ऊपर या ग्राफ कॉपी वाला जो पेपर होता है उसके ऊपर प्लॉट करें, इसे आप आम कॉपी पे नहीं कीजिएगा, ये आपका फेयर वर्क याद रखिएगा, इसको फेयर करें, और जब ये काम कंप्लीट हो जाए तो डायरी के मुताबिक चेक कराएं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाए। अच्छा, ये गलती से वो उसकी स्लाइड चल गई, सॉरी चैप्टर 1, असल में हम यहाँ मैथ की क्लास भी चल रही है ना 7 में, तो उसकी स्लाइड जो है ये आ गई है, मैं इसको अजब कर देता हूँ। और जिन्होंने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, ये स्लाइड हमने चला दी है, लाइक और सब्सक्राइब कर दें प्लीज़, ओके, और इसको शेयर करें ज़्यादा ज़्यादा, और आगे तक पहुँचाएँ मैसेज को। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, अगर मुमकिन रहा तो इसी वीडियो में, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में कर लीजिए।